Hello everyone and welcome to my channel. Guys, आज मैं once we get married की episode number 2 की story explain करने लगी हूँ. अगर आप लोगों ने अभी तक इस drama की episode number 1 नहीं देखी है तो I suggest कि आप जाके वो episodes देखें. और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे channel को subscribe नहीं किया है तो please subscribe my channel. Thank you. Episode number 2 की starting में हम देखते हैं कि Yun Si Chen ने Gu Shishi को अपना coat पहनाया होता है क्योंकि पानी में गिरने से वो काफी गीली हो चुकी थी और यहाँ पर Yun Si Chen को उससे ज्यादा अपने नेकलेस की फिक्र होती है. इतने में ऊपर से मिस्टर एलेक्स भी उन दोनों का हाल पूछने आ जाते हैं और फिर वो दोनों को ठीक देखकर वहाँ से चले जाते हैं. उसके जाने के बाद Gu Shishi तो Yun Si Chen को उसका कोट वापस कर देती है और वहाँ से जाने ही लगती है तो Yun Si Chen उससे नेकलेस की बात करते हैं तो Gu Shishi उसको घूर के देखती है और फिर उसे नेकलेस उतार कर देती है और वहाँ से चली जाती है. फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि Gu Shishi Xiao Ya को रात में Yun Si Chen से होने वाली मुलाकात की सारी कहानी बता देती है और Xiao Ya तो इस बात से खुश होती है कि ये कल Yun Si Chen से मिली थी. Yun Si Chen का भी बिजनेस में एक अपना नाम होता है. फिर Xiao उससे पूछती है कि तुम दोनों के बीच और तो कुछ नहीं हुआ था ना, तो उस वक्त Gu Shishi को Yun Si Chen के साथ होने वाली किसका सीन याद आ जाता है लेकिन अपनी फ्रेंड से कहती है कि नहीं नहीं हमारे बीच तो कुछ नहीं हुआ था और साथ में वो अपनी फ्रेंड से कहती है कि अब मैं उसका नाम भी नहीं सुनना चाहती हूँ. लेकिन उसकी फ्रेंड तो बार बार उसी का नाम लेकर उसे छेड़ती है तो Gu Shishi वाकई में छिड़ जाती है और उसे चुप रहने को कहती है और फिर वो दोनों इस टॉपिक को चेंज कर देती है और उस आदमी के बारे में बातें करना स्टार्ट कर देती है जिसने वो गाड़ी रिपेयर करने का कहा था. Gu Shishi उसे बताती है कि वो बहुत ही नाइस पर्सन था और उसे उम्मीद थी कि वो उन्हें धोखा नहीं देगा, जरूर वो उसे मैसेज करके गाड़ी देने की बात करेगा. और फिर तभी उससे मिस्टर मू का मैसेज आता है जो उससे गाड़ी वापस देने की बात करते हैं और साथ में उससे उस प्लेस का भी पूछते हैं कि वो फिर कहाँ पर मिलेंगे. और फिर Gu Shishi ये मैसेज Xiao Ya को भी दिखाती है, वो भी ये देखकर खुश हो जाती है कि ये कितना नाइस पर्सन है. उधर हम मिस्टर मू को देखते हैं जो Gu Shishi का आया हुआ रिप्लाई पढ़ रहा होता है और मिस्टर मू Gu Shishi से बचपन में मिला था, उसे तो Gu Shishi आज तक याद थी लेकिन Gu Shishi को मू अभी तक याद नहीं था. फिर नेक्स्ट मॉर्निंग Gu Shishi अपनी फैमिली के साथ मिलकर ब्रेकफास्ट कर रही होती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि Gu Shishi की ग्रैंड माँ का सलूक उसके साथ और उसकी मॉम के साथ अच्छा नहीं है. वो दोनों से काफ़ी रूडली बात करती है और साथ में वो तो Gu Shishi के लिए एक लड़का भी ढूंढी फिर रही होती हैं और उसे उसके साथ ब्लाइंड डेट करने का कहती हैं. Gu Shishi तो पहले ही उनकी जली कटी बातों से तंग आई बैठी होती है तो वो उनसे कहती है कि मेरा एक ऑलरेडी ही बॉयफ्रेंड है और वो अच्छी कंपनी में काम भी करता है. मीन के Gu Shishi का वाकई में कोई बॉयफ्रेंड है. फिर वो उन्हें कहती हैं कि आपको मेरे लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो ये कहकर वहाँ से गुस्से में चली जाती है. फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि Gu Shishi मिस्टर एलेक्स से मिलने गई खड़ी होती है और वो उनसे उस ड्रेस की बात करती है जो उन्होंने उसे देना था तो मिस्टर एलेक्स से पता चलता है कि वो तो Yun Si Chen उनसे लेकर गया है और इसके साथ तो उसका कॉन्ट्रैक्ट भी साइन हो चुका है और वो इस बात से हैरान होते हैं कि इसे उस बात का पता भी नहीं है और फिर उसे कहते हैं कि हो सकता है वो तुम्हें सरप्राइज देना चाहता होगा इसलिए तुम्हें नहीं बताया. लेकिन Gu Shishi के चेहरे पर तो वैसे ही हवाइयां उड़ी होती हैं कि वो अब वो ड्रेस Yun Si Chen से कैसे लेगी और दिल ही दिल में वो Yun Si Chen को बुरा भला भी कह रही होती है. मिस्टर एलेक्स उससे कहते हैं कि लगता है वो तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था और मैंने उसका सरप्राइज खराब कर दिया. लेकिन Gu Shishi उन्हें इस बात की फिक्र ना करने को कहती है. फिर वो वहां से चली जाती है और फिर वो Xiao Ya के पास आती है और उसे Yun Si Chen की उस हरकत के बारे में बताती और साथ में वो उस पे बहुत गुस्सा भी होती है. उसकी नज़र में तो वो एक बहुत ही बुरा इंसान बन के रह गया था और यहाँ पर फिर Xiao उसे बताती है कि तुम्हारी और Yun Si Chen की साथ में ली गई पिक्स आजकल ट्रेंडिंग पे हैं और उस दिन जिसने उसकी गाड़ी को ठोका था वो भी कोई और नहीं बल्कि Yun Si Chen ही था. ये सब सुनकर तो Gu Shishi
गुस्से से आग बगोला हो जाती है और कहती है कि वो उस यिन सी चैन को नहीं छोड़ेगी। और उधर जब यिन सी चैन को पता चलता है कि उसकी और गु शीशी की पिक्स आजकल ट्रेंडिंग पे जा रही हैं, तो वो तो इस बात की केयर नहीं करता, वो तो बल्कि इस बात से खुश होता है कि वो फेमस तो हो रहा है। उधर गु शीशी को उसके बॉयफ्रेंड की कॉल आती है और वो उससे ब्रेकअप की बात करता है। गु शीशी तो इस बात से बहुत परेशान होती है, यिन सी चैन की वजह से उसकी लाइफ तो ट्रबल में ही पड़ गई थी। फिर एक रेस्टोरेंट पर हम यिन सी चैन और शेंग को देखते हैं और उसी रेस्टोरेंट पर ही गु शीशी का बॉयफ्रेंड भी किसी और लड़की से डेट कर रहा होता है। और कोइंसिडेंटली गु शीशी और श्याओ या भी उसी रेस्टोरेंट पर ही आई होती हैं। और यहाँ पर गु शीशी अपने बॉयफ्रेंड को किसी और से डेट करता देख लेती है और उसको इस बात पर बहुत गुस्सा आता है और वो उसे खूब बुरा भला कहती है। और उनकी बातें शेंग और यिन सी चैन भी सुन लेते हैं। गु शीशी उससे कहती है कि भला तुम मुझसे कहाँ ब्रेकअप करोगे, मैं पहले ही तुमसे ब्रेकअप करती हूँ। फिर वो दोनों किसी बार में जाने लगती हैं और यिन सी चैन भी उस बार का नाम सुन लेता है और शेंग को उसी बार में जाने के लिए कहता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि श्याओया और गु शीशी बार में आई बैठी होती हैं और गु शीशी अपने ब्रेकअप से इतनी डिसहार्ट होती है कि गम को कम करने के लिए हंसना शुरू कर देती है। फिर वो खाना लेने चली जाती है। फिर श्याओया भी रेस्ट रूम में चली जाती है। तभी वहाँ पर यिन सी चैन भी आ जाता है और वो दोनों उसी जगह पर बैठे होते हैं जहाँ पर पहले गु शीशी और श्याओ या बैठी थी। शेंग तो वहाँ पर एक खूबसूरत लड़की को देखकर उससे फ्लर्ट करने चला जाता है और इधर गु शीशी इतनी ड्रंक होती है कि वो तो यिन सी चैन के साथ आकर बैठ जाती है और उसे यही लगता है कि ये श्याओ या ही यहाँ पर बैठी हुई है और वो उसे यिन सी चैन की शक्ल में नजर आ रही होती है और वो यिन सी चैन के सामने ही उसे खूब बुरा भला कहती है और साथ में उसके ऊपर लेट भी जाती है। अब यिन सी चैन के पास कोई और रास्ता नहीं होता और वो उसे घर ड्रॉप करने का सोचता है और अपने असिस्टेंट को कॉल करके बुलाता है और फिर वो उसे लाकर गाड़ी में बिठाने लगता है। और तभी गु शीशी हॉट विंग्स खाने की बात करती है। तो अब यिन सी चैन हॉट विंग्स तो कहीं से नहीं ला सकता था, तो फिर वो गु शीशी को किस कर लेता है ताकि उसे लगे कि वो हॉट विंग्स खा रही है। ये देखकर तो असिस्टेंट भी एक आंख बंद करके और एक खोल के उन्हें देखने लगता है। गु शीशी तो बुरा सा मुंह बना के फिर से गाड़ी में बैठ जाती है और ये कहने लगती है कि ये तो स्पाइसी बिल्कुल भी नहीं थी। फिर यिन सी चैन उसके पास आकर बैठ जाता है और यहाँ पर वो उससे उसके घर का एड्रेस पूछता है, तो वो फिर उसे बेहोशी में अपना एड्रेस बता देती है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग गु शीशी उठकर अपनी मॉम के पास जाती है तो उसे पता चलता है कि मालिक मकान उनसे घर का किराया मांग रहा है और उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो घर का किराया दे दें। और उसकी ग्रैंडमा भी कह रही होती हैं कि वो इस दफा अपनी बर्थडे एक 5-star होटल में सेलिब्रेट करना चाहती हैं और पैसे उनके पास बिल्कुल भी नहीं है। तो गु शीशी उन्हें फिकर ना करने को कहती हैं और साथ में कहती है कि उसे एक ऑर्डर मिला है, वो जल्द ही कुछ ना कुछ पैसे कमा ही लेगी। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि गु शीशी मिस्टर मू के पास बैठी होती है और वो उसे गाड़ी ठीक करने के पैसे भी देने की बात करती है, लेकिन मिस्टर मू तो वो पैसे लेने से मना कर देते हैं और यहाँ पर वो उसे रिमाइंड करवाते हैं कि हम पहले बचपन में भी मिल चुके हैं। तो फिर गु शीशी को उसका पता चल जाता है कि ये उसका फ्रेंड ही है और यहाँ पर वो उसे कहता है कि क्या तुम मुझे स्केच ड्रॉ करना सिखाओगी, क्योंकि स्केच ड्रॉ करने का प्रॉमिस उसने बचपन में उससे किया था। तो गु शीशी उसकी टीचर बनने के लिए मान जाती है। उधर ऑफिस में शेंग को पता चलता है कि जिस लड़की के साथ रात को फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा था वो तो उसकी कंपनी की नई मैनेजर है और वो इस बात से काफी सरप्राइज होता है। दूसरी तरफ शीशी यिन सी चैन से मिलने उसके मॉल आई होती है और वो वहाँ पर देखती है कि कोई लड़की यिन सी चैन के रूम में गई है। तो अब तो वो कहती है कि ये तो कोई इंतहाई किस्म का फ्लर्टी इंसान है और बहुत ही बुरा है और उसके बारे में उल्टा सीधा सोचने लगती है। फिर उस लड़की के जाने के बाद वो उसके ऑफिस में जाती है और उससे ब्राइड ड्रेस मांगती है। वो तो कहता है कि 3 माह से पहले तो वो उसे हरगिज़ नहीं बेचने वाला और वो तो उसे भी मैरी ड्रेस देने से मना कर देता है और यहाँ पर वो उसके होने वाले ब्रेकअप की भी बात करता है। तो ये सुनकर गु शीशी सरप्राइज होती है कि इसे मेरे ब्रेकअप का कैसे पता चला और फिर उन दोनों में उस ड्रेस को लेकर छोटी मोटी
फाइट भी हो जाती है और इसी दौरान ही ऑफिस पे मिस ट्रैन की भी एंट्री होती है। उधर ऑफिस में यिन सी चैन और गु शीशी की इकट्ठी पिक बना लेता है। ये देखकर गु शीशी को बहुत गुस्सा आता है। गु शीशी गुस्से में पानी वाला कप उठाने लगती है तो यिन सी चैन उसे वो उठाने से मना कर देता है। उसे लगता है कि ये उठाकर उसे ही मारेगी, लेकिन गु शीशी जबरदस्ती वो उठाकर पानी उस पर फेंकने की बजाय पीने लगती है। तो यिन सी चैन उसे बताता है कि इसमें तो मैंने पहले पानी पिया था। ये सुनकर तो गु शीशी अपने मुंह पर हाथ रख लेती है और वहां से जाने लगती है और इतनी जल्दी में होती है कि वहां से गिरने लगती है। तो यिन सी चैन उसे पकड़ने लगता है और वो दोनों एक साथ ही सोफे पर गिर जाते हैं। तो गु शीशी अपने मुंह पर हाथ रख लेती है और कहती है कि यिन सी चैन तुम क्या करना चाहते हो। तो यिन सी चैन उससे कहता है कि मैं तुम्हें याद नहीं कि रात को तुमने क्या किया था। तो गु शीशी को जब याद आता है कि रात को उसने यिन सी चैन को किस किया था तो वो तो काफ़ी एम्बेरस फील करती है। तभी असिस्टेंट भी डोर ओपन कर देता है और उन दोनों को यूँ देखकर फौरन से फिर दरवाज़ा बंद कर देता है। इतने में ये दोनों भी उठ बैठते हैं और फिर गु शीशी उसे बिल दिखाती है और उससे पैसे लेने की बात करती है कि जो तुमने मेरी गाड़ी उस दिन ठोकी थी उसके पैसे दो। लेकिन यिन सी चैन उसे पैसे नहीं देता तो वो गुस्से में वहाँ से जाने लगती है और रैन भी उसे वहाँ से जाते हुए देख लेती है और फिर रैन यिन सी चैन के ऑफिस में एंटर होती है। दूसरी तरफ गु शीशी मिस्टर एलेक्स के पास पहुंच गई होती है और उससे एक फेवर मांगती है और यहीं पर ही एपिसोड नंबर 2 खत्म हो जाती है।